फ्रेंड्स, तो मैं हूँ सौरभ। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक मैजिक क्यूब की, जिसको मैं प्रोफेशनली यूज करता हूँ। ये बजट क्यूब है, ये मुझे खाली 105 रुपीस का पड़ा है। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। दोस्तों, स्टार्टिंग में इधर वेलकम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये एकदम न्यू कंडीशन में है। अब हम इसे खोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा रूबिक्स क्यूब। ये पहले से ही फ्रेंड्स सॉल्व हुआ आता है। अब मैं आपको इसका इंटरनल पार्ट दिखाऊंगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ईट क्यूब है। ये देखिए दोस्तों, इसके मूव्स देखिए, ये कितना सॉफ्टली वर्क करता है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इसके इंटरनल पार्ट्स की। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसके अंदर ऐसा है। अब मैं इसे वापस असेंबल करता हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, सेम ट्रिक है, जैसे जैसा हम फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे, मतलब असेंबल करेंगे, वैसे ही हमें सेकेंड लेयर करना है और थर्ड लेयर करना है। ये बहुत ही इजी है। पहले हमें इस टाइप का पार्ट लेना है और हमें थोड़ा सा पुश करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको वापस निकाल के दिखाता हूँ। ये जो कॉर्नर पीस है और ये जो मिडिल पीस है, हमें उसके बीच में एकदम ऐसे करना है, लॉक करना है, तभी आपका जुड़ जाएगा। अब हम वापस ऐसा ही पीस लेते हैं और वही ट्रिक यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा भी हो गया है। अब मैं तीसरा और चौथा जल्दी से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा क्यूब के बारे में। तो ये जो फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट लेयर होता है हमारा, और ये जो सेकंड वाला होता है, ये हमारा सेकंड लेयर होता है, और ये जो थर्ड वाला होता है, ये हमारा थर्ड लेयर होता है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब टॉप लेयर। इसे हम एम से, मतलब मिडिल लेयर। इसे हम एल से, मतलब लास्ट लेयर। सो फ्रेंड्स, हमारा जो लेफ्ट साइड में होता है, उसे हम लेफ्ट लेयर कहते हैं। मैं इसे एल से रिप्रेजेंट करूंगा, और राइट वाले को राइट आर से, मतलब जो फॉरवर्ड होता है, उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बैक होता है, उसे हम बी से रिप्रेजेंट। सो फ्रेंड्स, मैंने तो आपको सब इंफॉर्मेशन दे ही दी है इसके बारे में। अब मैं आपको इसके टू मैजिकल मूव्स करके दिखाता हूँ। इसका एक टिप ये है कि जो आपका क्यूब है, वो सॉल्व्ड होना चाहिए। अगर वो मैश में होगा तो आप मैजिकल मूव्स नहीं कर पाएंगे। मैजिकल मूव्स का मतलब ये है, जैसे मैं इसी चीज सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर हम एक ही चीज को बार बार फॉलो करते हैं, जैसे ये किया, ये ट्रिक हमने की, और मैजिकल टू मूव्स का मतलब यही है कि हमें टू मूव्स ही लेना है। एक मूव से ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, तो हमें वो मूव्स एक ही पोजीशन पे बार बार करना है। इसका मतलब ये होता है, ये एक साइकिल होता है। और अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। हमें इसमें 102 मूव्स लेने होते हैं।
फ्रेंड्स हमारा क्यूब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स ये टाइम जरूर लेगा पर आपको सॉल्व करके भी देगा। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इन टू मैजिकल मूव से अपना पूरा क्यूब सॉल्व कर लिया है। कैन यू इमेजिन, इसकी लॉजिक ये है अगर हम एक ही चीज को बार बार करते हैं तो मतलब जैसे एक साइकिल है उसको हम बार बार करेंगे तो वो एक ही जगह पे आके फिर से रुकेगा। सो फ्रेंड्स यही इसकी लॉजिक है, मैंने इसे बार बार करा और ये उसी जगह पे आके रुका। एक बार मैं स्लो मोशन में दिखाता हूँ। पहले हमें अपने राइट लेयर को मूव करना है अपवर्ड, फिर जो अपर लेयर है मतलब टॉप लेयर है टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, टी को हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। अप लेफ्ट अप लेफ्ट अप लेफ्ट अप लेफ्ट अप लेफ्ट अप लेफ्ट। फ्रेंड्स हम मैजिकल मूव्स के हेल्प से 5 या उससे कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, और आप ये ट्रिक अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।